अगर आप इस तरीके से साबूदाना के वड़े बनाओगे तो वो तेल में जाने के बाद कभी भी नहीं फटेंगे, और तो और वो बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे। तो अगर आपको ये साबूदाना के वड़े की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो पहले हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप साबूदाना। तो पहले हमें यहाँ पर ये जो साबूदाना है इसको पानी में अच्छे से वॉश करना है। और इनको हम वॉश इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो साबूदाना है इसके ऊपर काफ़ी सारा स्टार्च होता है, और वो स्टार्च निकालना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इसको पानी में 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, और फिर आपको इसमें से सारा पानी स्ट्रेन करना है। यहाँ पर मैंने इस साबूदाना को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, और फिर हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। हमें बस उतना ही पानी यहाँ पर डालना है जितने पानी में ये जो साबूदाना है ये डूब जाए। और अब हम इनको इस पानी में लगभग 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छे से फूल भी चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक ऐसा पैन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 2 या 3 चम्मच पीनट्स यानी कि सेंगदाने, और इनको हमें मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 या 3 मिनट के लिए सेकना है। यहाँ पर जो सेंगदाने हैं इनको मैंने अच्छे से सेक लिया है, तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, और फिर हमें इसकी जो स्किन है ना उसको निकालना है। अब हम यहाँ पर इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हमें ग्राइंड करना है। लेकिन यहाँ पर याद रखें कि आपको सेंगदाने का पाउडर नहीं बनाना है, बल्कि आपको इसको दरदरा ही पीसना है। यहाँ पर मैंने इन सेंगदानों को दरदरा पीस लिया है। तो अब यहाँ पर एक बाउल में हमें लेने हैं 4 या 5 उबले हुए आलू, और इन आलूओं को हमें अच्छे से मैश करना है। जब आलू मैश हो जाए तब जो साबूदाना को हमने भिगो कर रखा हुआ था वो हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। फिर जिस सेंगदाने को हमने दरदरा पीसा हुआ था वो हमें यहाँ पर इसमें डालना है। अब मैंने यहाँ पर 3 से 4 बारीक कट की ग्रीन चिली यानी कि हरे मिर्च ली हुई है। आप चाहो तो यहाँ पर हरे मिर्च की मात्रा अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1 इंच जिंजर यानी कि अदरक, और ये जो अदरक है इसको मैंने एकदम ही बारीक बारीक चॉप कर लिया था। फिर इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच सेसमे सीड यानी कि तिल, और फिर मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच शुगर यानी कि चीनी। लेकिन यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और फिर हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे रॉक सॉल्ट, जिसको हम सेंधा नमक या फिर व्रत का नमक भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और फिर मैंने यहाँ पर ऐसा आधा नींबू लिया हुआ है, और इसको हम निचोड़ कर इसका जूस इसमें ऐड करेंगे। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और इनको मिक्स करते टाइम पे आप इसको अच्छे से मसलते भी रहिए ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ पाए यानी कि बाइंड हो पाए। चलिए यहाँ पर हमारा ये जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है, और ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो पा रहा है। तब हम यहाँ पर हाथों में थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये जो स्टफिंग है ये हाथों में चिपके नहीं। और अब इस स्टफिंग में से हम टिक्की या फिर कटलेट या फिर ऐसा मैदू वड़ा का शेप देंगे। तो यहाँ पर इसको कोई भी शेप देने से पहले आप इसको एक बार अच्छे से दबाइएगा ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से बाइंड हो जाए, और फिर आप चाहो तो अपने पसंद अनुसार कोई भी शेप इसको दे सकते हो। और इसी तरह जब सभी वड़े बनकर रेडी हो जाए तब हम इनको फ्राई करेंगे। अब इसको फ्राई कैसे करना है ये बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये तेल में जाने के बाद खुल जाते हैं और आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए ये ज़रूर देख लीजिए कि इसको फ्राई कैसे करना है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपका जो तेल का तापमान है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आपका तेल उतना गर्म नहीं होगा तो ये जो साबूदाना के वड़े हैं ये तेल में जाने के बाद फट जाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको इसमें बहुत सारे वड़े एक साथ फ्राई नहीं करने हैं। अगर आप इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा वड़े फ्राई करोगे तो जो तेल का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और इसी वजह से ये जो वड़े हैं ये फट सकते हैं। तो इसीलिए इसमें एक साथ 3 या 4 वड़ों को ही फ्राई करें। और अब आपको यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। और जैसा कि आप देख सकते हो कि अब ये जो साबूदाना के वड़े हैं ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। आप चाहो तो इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस तेल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर ये बहुत ही गर्मा गर्म और क्रिस्पी साबूदाना के वड़े बनकर रेडी हो चुके हैं।